हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि अभी आप लोग सभी अपने तैयारी में जुटे होंगे एग्जाम्स के लिए। आप लोग का एग्जाम बहुत ही करीब आने वाला है, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको मैथ्स जब पेपर अटेम्प्ट करोगे उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है कि हाउ टू अटेम्प्ट मैथ्स LR एंड स्टेट्स, ठीक है। आपका एग्जाम ये 28 को है, जस्ट आफ्टर योर लॉ एग्जाम, ठीक है। लॉ का एग्जाम देने के बाद जब आप आओगे तो आपके पास 1.5 डेज मिलेगा, ठीक है। तो आपको उस 1.5 डेज में क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, और यही सब मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को जब लॉ का एग्जाम दे के आए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमें अडॉप्ट दी SMW अप्रोच। ये SMW अप्रोच होता है क्या बताता हूं। एक्चुअली SMW मतलब S स्ट्रांग, M मॉडरेट एंड W स्टैंड फॉर वीक, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि स्ट्रांग फर्स्ट रिवाइज ऑल योर स्ट्रांग टॉपिक, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे कुछ पूरे सब्जेक्ट में यानी कि मैथ्स, LR और स्टैक्स यानी तीनों टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जिनको अपने ही काफी अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूं तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, जो काफी मार्क कैरी करता है। और इवन 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, तो ये स्ट्रांग टॉपिक हो गया मैथ्स में, ठीक है। अगर मैं बोलूं स्टेटिस्टिक में तो मेजर ऑफ सेंट टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, ये भी काफी मार्क कैरी करता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन उसके बाद अपना हो गया LR, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं। मैं बोलूं तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इसके साथ साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड उसके बाद और देखा जाए तो सिक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा बहुत, ठीक है। और स्टैटिस्टिक में मेजर ऑफ सेंट टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने को कवर करना चाहिए काफी स्ट्रांग तरीके से, क्योंकि काफी ज्यादा मार्क कैरी करते हैं सारे चैप्टर में से, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो टॉपिक थोड़ा सा कम प्रिपेयर किया हुआ है उसको देख लो, ठीक है, उसको रिवाइज कर लो। और उसके बाद जो टॉपिक अपने अनटच किए हुए अभी तक, यानी कि जिनको हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो वो तो उसको छूना ही मत, जिसको अपने W बोल सकते हैं यानी कि वीक टॉपिक्स, ठीक है। अगर वो आप लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है तो एग्जाम से एक दिन पहले उसको आप टच मत करो, उसको आप छोड़ दो, ठीक है। जितना हो चुका है उसी को आप अच्छे से करो, ठीक है, उनके फॉर्मूलाज को अच्छे से करो, ठीक है। फॉर्मूलाज के बाद उनके जो बेसिक एक्सरसाइज है उनको भी सॉल्व कर लो, ठीक है। और ये करने के बाद अगर आपके पास टाइम होता है तो आप एक लास्ट का 2-3 टर्म का पेपर भी देख सकते हो जो आपका किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं कि अगर हमें जब क्वेश्चन जब पेपर अटेम्प्ट करना होगा नेक्स्ट, जब मैथ्स के एग्जाम में, तो उस समय अपने को क्या करना है, ठीक है। तो पहला बात तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, कंफ्यूजिंग क्लोज चॉइसेस, मतलब जब अपने चॉइसेस रहेंगे तो उसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो, ठीक है। बहुत ही जैसे अपने को पता है कि इसका आंसर 6.5 रहता है, तो जैसे 6.5, 7 ऐसे क्या कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आराम से ठीक से पढ़ लो एक बार, ठीक है। अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन वेयर यू आर एब्सोल्युटली श्योर। अभी इसका क्या मतलब है, देखो इसमें हो सकता है जैसे कि तुमने पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन तुम लोगों ने करेक्ट अटेम्प्ट किया तो 45 मार्क्स स्कोर कर दिया। अभी मान लो तुम लोगों ने 30 क्वेश्चन को ऐसे ही, मतलब बोलते हैं ना जय माता दी बोल के मार्क कर देना, तो उसमें हो सकता है कंफ्यूजिंग, उसमें अगर अपने को कॉन्फिडेंस नहीं है तो हो सकता है वो गलत हो जाए। अगर गलत हुआ तो यहाँ पे आप लोगों को पेनल्टी भरना पड़ेगा, दैट इज 0.25। अगर आपने 30 क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो आपका मार्क्स कट जाएगा, यानी कि 7.5 माइनस हो जाएगा। और अगर आपने 25 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके बाद देखिए आपका टोटल आ रहा है 45 माइनस 7.5, 37.5, जबकि आपको पास होने के लिए स्कोर करना पड़ेगा 40 इन मैथ्स, ठीक है। देखिए आपके रॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने के कारण आप फेल हो सकते हैं, तो इससे अच्छा आप 45 क्वेश्चन करेक्ट यानी कि जिसमें आप एब्सोल्युटली श्योर हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो, आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें भी मेरा एक सजेशन ये है कि देखो
जैसे क्या होते हैं पेपर में जब हम लोग रीड करेंगे सारे क्वेश्चंस को, तो कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल कि विच मेथड इज अ बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके लिए ऑप्शन रहेगा मीन, मीडियन, मोड एंड ऑल ऑफ दिस। तो पता है अपने को मीन आंसर होगा, तो उसमें आप जल्दी से मीन टिक कर दो, ठीक है, यहां पे आप टाइम सेव कर पा रहे हो, ठीक है। वैसे और भी कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको आप जब रीड कर रहे हो तो आप बस उस पर टिक करते जाओ, ताकि उन सारे क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स स्कोर हो जाए, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मेरा इतना मार्क्स स्कोर हो चुका है। उसके बाद आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसपे आपको थोड़ा सा लेबर करना पड़ेगा, लेबर मीन्स व्हाट, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या हो सकता है कहीं पे आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़े, मैथ्स में ज्यादातर यूज करना पड़ सकता है, स्टैट्स में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, तो आप उन क्वेश्चन को फिर उसके बाद अटेम्प्ट करो, ठीक है। एंड एट लास्ट अपने को एलआर अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों मैं एलआर को लास्ट में अटेम्प्ट करने बोल रहा हूं, इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि देखिए, आप लोग मैथ्स और स्टैट्स तो पढ़ के जाते हो, मतलब जो भी पेपर में आएगा आपके पढ़े हुए से ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एलआर जो होता है उसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई फॉर्मूलास नहीं है, कुछ ट्रिक्स वगैरह होता है जो कि क्लास में डिस्कस हुआ था, वो ट्रिक आप फॉलो करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि कुछ जब नया चीज आता है तो उसमें थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, यानी थोड़ा बहुत उसमें टाइम लग सकता है, इसीलिए आप कोशिश करो कि एलआर को लास्ट में अटेम्प्ट करो। नो डाउट कि एलआर इजी होता है, बट थोड़ा टाइम ले सकता है, इसलिए आप एलआर को लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है। पहले आप सारे क्वेश्चंस वैसे कर लो जैसे मैंने बताया, उसके बाद आप एलआर को अटेम्प्ट करो, ठीक है। देन लास्ट मैं बात करता हूं वही चीज कि अपने को हर क्वेश्चन 1.20 मिनट्स, यानी कि पूरे क्वेश्चन को अगर करना है तो अपने को करीब इतने ही मिनट मिलेगा हर क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना तो बहुत ही जरूरी है, जैसा मैंने बताया कि अगर उसके अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेज करोगे तो आपका पेपर अटेम्प्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते आप उसको टच भी नहीं करो, क्योंकि यहां पे आपको गलत करने पे पेनल्टी भरना पड़ सकता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई टॉपिक आपने अभी तक नहीं टच किया या नहीं किया, उसको आप जस्ट 1.5 डेज पहले मत टच करो। जस्ट जैसे अगर आपका कैलकुलस क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप कैलकुलस को छोड़ दो, क्योंकि कैलकुलस आप करने जाओगे तो आपका सारा टाइम उसी में चला जाएगा, आप और उससे आगे कितने मार्क का क्वेश्चन, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अब उसके पीछे आपका जो किया वक्त चीज है, जो इजी चीज जिसपे आप कॉन्फिडेंस हो, जिसके जो आपको अच्छे से आता है, आपका वो छूट जाएगा। तो इसके अच्छा है कि आप जिसका जो हो चुका है आप उसी को 1.5 डेज में अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटे और आप उसका आंसर सही से कर पाए। एंड एट लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूं हर स्टूडेंट को, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू, ठीक है। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी के सभी अच्छे से स्कोर करें, सबके सब पास हो जाएं, और जो अपने जितने जितने कैपेबल हैं मार्क्स लाने के लिए उनको उतने ही मार्क्स मिले, ठीक है। मेरे तरफ से तो यही है, आप सबों को बेस्ट विशेस, ठीक है।